मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मेरे डिपार्टमेंट में अपॉइंट उसे तुमने किया और काम फरहान समझा रहा है उसे। वाह, फरहान भी बिल्कुल नहीं बदला। यूनिवर्सिटी के जमाने से फ्लर्ट है वो, तुम्हें तो याद होगा। सना, वो पुरानी बात है, उस वक्त हम यंग थे। ऐसी उम्र में ऐसी बेवकूफी इंसान कर देता है, इट्स ओके। तुमसे तो नहीं हुई, तुम्हें तो बहुत लड़कियां पसंद करती थी। सना, क्या बातें लेके बैठ गई हो तुम? हम यहां ये बातें तो नहीं करने आते ना। ठीक है, नहीं करती, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो आज़र। तुमने मिनाल को हायर करके बहुत बड़ी गलती की है। क्या कहना चाहती हो तुम? कि इस तरह की लड़कियां ना पूरी प्लानिंग के साथ आती हैं। बड़ी फॉर्म्स में अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का शॉर्टकट उन्हें यहीं से मिलता है। और ये जो लड़कियां होती है ना, ये स्टेटस कॉन्शियस भी होती हैं, इसलिए अपने स्टेटस को बेहतर दिखाने के लिए अपर क्लास में दोस्ती कर लेती हैं। सना, मनाल बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कॉन्फिडेंट है। ठीक है, मेरा अंदाजा गलत भी हो सकता है, ये एक जनरल ओपिनियन है, लेकिन मैंने तो अब तक यही देखा है, क्योंकि फरहान हर किसी के साथ इतनी जल्दी फ्रैंक नहीं होता। जो कहना चाह रही हो खुल के कहो। आज़र, मुझे लगता है कि मिनाल फरहान को ट्रैप कर रही है। बहुत ही चीप और चालाक लड़की है वो। शट अप! किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? तुम्हें हो क्या गया है? गॉड सेक, प्लीज जाओ यहां से। सना, प्लीज गो। आज़म सर से कुछ पूछना है। सब खैरियत है सना? क्या हुआ सना? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, बताओ तो सही, क्या हुआ है? घर पे सब खैरियत तो है ना? फरहान प्लीज, इस वक्त ना मुझे कुछ कहना है ना सुनना है, सो प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। अच्छा, हुआ क्या है? व्हाई आर यू एक्टिंग विद मी लाइक दिस? सना, सना,